नमस्कार। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में आधार ईकेवाईसी कैसे करना है इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताएंगे। आधार ईकेवाईसी करते टाइम हमें कौन कौन से मुख्य बातों को ध्यान में रख के आधार ईकेवाईसी करना है, आधार ईकेवाईसी क्या हम लोग बिना आधार ओटीपी के कर सकते हैं। जैसे कि आपके मन में चल रहा होगा कि हमारे आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो क्या हम आधार ईकेवाईसी कर पाएंगे। आधार ईकेवाईसी में जो हमें एरर देखने को मिला है, जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये एरर क्या है, इसको कैसे ठीक करेंगे, तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देते हुए आपको बताएंगे आप लोग किस प्रकार से अपने पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का आधार ईकेवाईसी कम्प्लीट कर पाएंगे। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख लेना है जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका जिनका भी आधार ईकेवाईसी करना है उनका प्रोफाइल खोल लेना है। प्रोफाइल खोलने के बाद आपको यहाँ पे यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे कंप्लीट ईकेवाईसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट ईकेवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरी पहचान का जो एक ऑफिशियल पेज है, जो डिजी लॉकर के थ्रू आपका जो आधार है उसको लॉगिन किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग टू स्टेप में आधार ईकेवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। पहला स्टेप, आपको अपना पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू जो आधार नंबर है वो डिजी लॉकर पर लॉगिन करना होगा। फिर उसी प्रकार आपको जो दूसरा स्टेप है उसमें आपको आधार नंबर डाल के और जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को डालने के बाद जो आप 6 डिजिट का पिन बनाएंगे उस 6 डिजिट को पिन को डाल के अपना आधार ईकेवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपका अकाउंट पहले से डिजी लॉकर में लॉगिन है तो आप एक स्टेप में ही आप अपना आधार ईकेवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं है तो आपको यहाँ पे 2 स्टेप फॉलो करना होगा। अब आपको बता दें कि आधार ईकेवाईसी करते टाइम हमें मोबाइल नंबर आधार में लिंक होना अनिवार्य है। जिन सेविका बहन के आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो अपना आधार नंबर लिंक करवा लें, उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार ईकेवाईसी कर सकती हैं। आधार ईकेवाईसी कैसे करना है चलिए अब आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको जिस प्रकार से ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे ट्राई ऑन अदर पे क्लिक करेंगे तो दूसरा कैप्चा कोड शो हो जाएगा, वो डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल दिया है, डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से एक नया पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपका कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है आपके आधार में वो नंबर आपका 4 डिजिट का यहाँ पे शो हो जाएगा। उसी नंबर पे आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल लेनी है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आपको यहाँ पे रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से रिसेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है, हम ओटीपी डाल के आपको आगे दिखाते हैं। तो ओटीपी डालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक और नया पेज खुल के आ जाएगा। चलिए हम लोग वेट कर लेते हैं। आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ आएगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजी लॉकर, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो पहले से डिजी लॉकर में लॉगिन है। तो आपको यहाँ पे 6 डिजिट का वो पिन डालना होगा जो आपने उस टाइम बनाया होगा। अगर वो पिन आपको याद नहीं है तो आप लोग यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके आप एक नया पिन बना सकते हैं। अगर आपका अकाउंट लिंक नहीं है पहले से तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा सेट 6 डिजिट पिन विथ डिजी लॉकर, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना एक पिन सेट कर लेना है। जो पिन सेट करेंगे 6 डिजिट का वो आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आप दोबारा यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के ओटीपी डाल के यहाँ पे आएंगे तो वो पिन आपको डालना होगा, जिससे कि आप अपना जो ईकेवाईसी है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए मान लीजिए हमें पिन वो याद नहीं है तो हम यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट का ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मंथ है वो डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो ईयर है वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। सारा कुछ आपको आधार पे ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप अपना एक पिन सेट कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे सेट योर डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन का मैसेज आ चुका है, तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी पिन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नया पिन बनाने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका ईकेवाईसी यहाँ पे 100% हो जाएगा, ठीक है। और जिनका अकाउंट लिंक नहीं है वो यहाँ पे 6 डिजिट का पिन बनाने के बाद यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अलाउ वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा मैसेज देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपका जो अकाउंट है वो प्रोसेस में डाल दिया गया है,
तो आपको क्या करना है कि फिर से थोड़ा देर के बाद आपको जो ई केवाईसी वाला ऑप्शन है उसको ओपन कर लेना है। तो एरर के मैसेज देखने के बाद आपको क्या करना है कि कुछ टाइम बाद आपको फिर से कंप्लीट ई केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप फॉलो करना है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपका अकाउंट अगर लिंक नहीं है तो आपको टू स्टेप में आपका जो ई केवाईसी है कंप्लीट होगा। तो फिर से आपको क्या करना है कि अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड और आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो, और जो 6 डिजिट का पिन आपने सेट किया है वो डालने के बाद आपका ई केवाईसी 100% यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ई केवाईसी का जो नियम है, जो तरीका है, हमने आपको बताया है। और ई केवाईसी का जो अंतिम तिथि है वो अभी फाइनल नहीं किया गया है कि कब तक आपको ई केवाईसी करना है। आप लोग जितना जल्द हो सके, जिनके भी आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो अपना आधार सेंटर पर जाके आधार में मोबाइल नंबर लिंक करवा लें और अपना ई केवाईसी यहाँ पर आके सक्सेसफुली 100% कंप्लीट कर लें। तो आई होप हमने आपको इस वीडियो में एक एक चीज़ समझा दिया है कि किस प्रकार से आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल डीके टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।